हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और रोज की तरह लेकर आ चुके हैं हम जो हिंदू का द हिंदू का एडिटोरियल है हमारा, उसे ठीक है। और 28 जून से लगातार हम आर्टिकल्स लेके आ रहे हैं बच्चों आपके लिए। और आज है तारीख 2 जुलाई और आज का एडिटोरियल आपके सामने है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए कि मुद्दा क्या है जो हमारा आज का एडिटोरियल है उसका। तो आप हेडिंग जो इसकी है वो पहले पढ़ें, कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइना एप्स बैन। यानी कि चाइना एप्स बैन जो हुए हैं, जो चाइना के 59 ऐप अभी जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा बैन कर दिए गए हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल है। और यहाँ पे कहा गया है कि कंट्रोल नॉट डिलीट, कहने का मतलब है जो जिस किसी कॉलमिस्ट ने भी इस एडिटोरियल को लिखा है उन्होंने ये कहा है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए था, यानी कि नियंत्रण रखना चाहिए था, ठीक है, इन ऐप्स पे, और डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी इनको। मतलब यानी कि डिलीट करना एक विकल्प नहीं था बल्कि कंट्रोल करना चाहिए था। और चाइना के जो ऐप्स बैन हुए हैं उस पे इनकी ये राय है, इन ऑथर की, इस राइटर की, जिन्होंने भी इस आर्टिकल को, जिस एडिटोरियल को लिखा है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो कैब को देखना, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे हम और थॉरली पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे। ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है आज का, हमारा एक हॉट टॉपिक है आजकल में, है ना। और बहुत सारे आप में से भी ऐसे लोग होंगे भाई जो टिकटॉक यूज़ करते होंगे, है ना, तो बहुतों का तो दिल ही टूट गया है टिकटॉक के बैन होने से। ज़्यादा किसी और ऐप के बैन होने से तो नहीं, लेकिन टिकटॉक से बहुत लोगों को बड़ा प्यार हुआ करता था और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता था। लेकिन इसके बैन हो जाने से यह है कि चलिए, बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं। कुछ ये है कि एंटरटेनमेंट का साधन लोगों का ये बना हुआ था, तो ये अच्छी चीज़ है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो टाइम वेस्ट करते थे इस तरह के ऐप पे, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है कि आप कहीं अपनी स्टडीज़ को टाइम देंगे और ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी चलेंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले वो कैब सेक्शन जो हमारा उसको हम देख लेते हैं, फिर हम आएंगे वापस अपने इस एडिटोरियल पे और उसको अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे। देखिए, द हिंदू वोकैबुलरी आपके सामने खुल चुकी है। द हिंदू वोकैबुलरी जुलाई 2020, यानी कि 2 जुलाई 2020 की द हिंदू वोकैबुलरी जो आज का हमारा एडिटोरियल है, जो डिस्कशन के लिए, उसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो है आपके सामने। पहला वर्ड है बच्चे आपके पास प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चाइल्डिशली सिली और इमैच्योर, यानी कि बिल्कुल बच्चों की तरह जो है सिली हो, मूर्ख हो, यानी कि बचकाना पूरी तरीके से, या फिर इमैच्योर यानी कि मैच्योरिटी जिसके अंदर ना हो, ठीक है। हिंदी में मीनिंग क्या हो गई? मूर्खतापूर्ण या बचकाना भी आप कह सकते हैं हिंदी में, बचकाना, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है बच्चे आपके पास साइट। साइट का मतलब क्या होता है? टू मेंशन समथिंग और यूज समबडीज वर्ड्स, यानी कि किसी चीज़ को मेंशन करना या किसी और के शब्दों का प्रयोग करना, उसे हम कहते हैं साइट करना, ठीक है। तो उल्लेख करना मीनिंग होगी हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इमर्जेंट। इमर्जेंट का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड और सडन, यानी कि अप्रत्याशित रूप से कोई चीज़ सामने आती है उसे हम इमर्जेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट का मतलब धमकी होता है, बट थ्रेट का मतलब खतरा भी होता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पोज। पोज का मतलब क्या होता है? टू कॉज समथिंग स्पेशली अ प्रॉब्लम, यानी कि कोई चीज़ कॉज करना
मुख्य रूप से एक समस्या खड़ी करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिजुडिशियल। प्रिजुडिशियल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल टू समवन और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति हार्मफुल होना, डेट्रीमेंटल होना, डेट्रीमेंटल का मतलब भी हार्मफुल ही होता है, हानिकारक या प्रतिकूल, इसकी मीनिंग आप देख सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आपके पास है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? सोशल ऑर्डर की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी सामाजिक एक संतुलन जो होता है उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है आपके पास सरेप्टिशियसली। सरेप्टिशियसली का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली या गुप्त रूप से या चुपके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास वो कैब है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि बिना अथॉरिटी के, बिना अधिकार के, डन विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के किसी को वो चीज़ करने की करने का अधिकार ना हो लेकिन फिर भी करे, यानी कि गैर कानूनी या अनाधिकृत, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इम्पिंज। इम्पिंज का मतलब क्या होता है? टू हैव अ नोटिसिएबल इफेक्ट ऑन समथिंग और स्पेशली अ बैड वन, यानी कि किसी चीज़ पे नोटिसिएबल इफेक्ट डालना, ऐसा इफेक्ट डालना जिसे नोटिस किया जा सके, और स्पेशली वो इफेक्ट कैसा होता है? एक बुरा इफेक्ट होता है, एक प्रतिकूल प्रभाव होता है, ठीक है। हिंदी में मीनिंग होगी प्रतिकूल प्रभाव डालना। नेक्स्ट आपके पास है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ओपिनियन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के प्रति आपका जो मत है या नज़रिया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। हिंदी में मीनिंग क्या हो गई बच्चे? दृष्टिकोण। नेक्स्ट है आपके पास ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक ड्यू, कहने का मतलब है कि लेट इन अराइविंग, यानी लेट पहुंचने वाला, लेट से घटित होने वाला, या फिर लेट से पे किया जाने वाला। हिंदी में मीनिंग क्या होगी? विलंबित, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कपल्ड विद। कपल्ड विद का मतलब होता है कंबाइंड विद, ठीक है, यानी कि के साथ मिलकर, यानी कि कोई चीज़ कपल्ड विद समथिंग है तो हम ये कहते हैं कि वो उस चीज़ के साथ मिलकर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है ओपन एंड डायरेक्ट, यानी कि खुले तौर पे और प्रत्यक्ष रूप से, या फिर कम्प्लीटली एंड क्लियरली, यानी कि पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अमैस। अमैस का मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट और पुट टुगेदर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी कि एक बड़ी संख्या में किसी चीज़ को एकत्रित करना, इसे हम क्या कहते हैं? अमास कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बच्चे सब्सटेंस। सब्सटेंस की मीनिंग देखो होता है पदार्थ, बट यहाँ पे जो आर्टिकल में यूज था उसके हिसाब से सब्सटेंस की मीनिंग क्या थी? इम्पोर्टेंस और वैल्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर की मीनिंग एक्चुअली होती है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ करने से रोकना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टेक समवन ऑन। टेक समवन ऑन का मतलब क्या होता है? टेक समवन ऑन का मतलब होता है टू बी रेडी टू मीट एन अपोनेंट, यानी कि किसी अपोनेंट से, किसी विरोधी से लोहा लेने के लिए तैयार रहना, यानी अपोज और कन्फ्रंट भी इसकी मीनिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है टू कॉज अ डेंजरस, एक्साइटेड और एंग्री सिचुएशन, यानी कि कोई ख़तरनाक, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड सिचुएशन या फिर एंग्री सिचुएशन कॉज करना, ठीक है, भड़काना आप कह सकते हो एक तरीके से, आग भड़काना, ठीक है, इग्नाइट का मतलब होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली क्रिटिकल का मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको और सुधार कर देना चाहूँगा, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब होता है वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है अ पर्सन और कंपनी हु सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है ना, कि एक पर्सन या कंपनी जो कि प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेंडर। नेक्स्ट आपके पास है एम्ब्रेस। देखो एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल में मीनिंग थी उसके हिसाब से टू एक्सेप्ट समथिंग, कहने का मतलब है गले लगाने का मतलब क्या होता है?
कि हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, या किसी व्यक्ति को हम एक्सेप्ट करते हैं तभी तो हम उसे गले लगाते हैं, राइट। चलिए, तो ये थी वोकैबुलरी आज की, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ सुनते सुनते ये वोकैबुलरी याद हो गई होगी, और एक बार जब हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे और उसके साथ वहाँ पे इसकी मीनिंग को समझेंगे और अच्छी तरीके से हमें आर्टिकल समझ में आएगा, तो हम पूरी तरीके से ये वोकैबुलरी जो है उसको और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल पे। ये रहा आर्टिकल हमारा, आपके सामने है, कोने में देखिए लिखा हुआ है एडिटोरियल। एडिटोरियल का आज का आर्टिकल है हमारा, और जो मेन मुद्दा जो है, जो इशू है, देखते हैं क्या है। कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइना एप्स बैन, यानी कि चाइना के जो एप्स को बैन किया गया है, वहाँ पे कहने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि कंट्रोल उसको करना चाहिए था, डिलीट करना कोई उसके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं था, ठीक है, जैसा कि हमारे ये जो राइटर हैं उन्होंने कहा है इस चीज़ को, ठीक है। देखिए, तो अब हम आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है कि साइटिंग कंसर्न्स टू बोथ डेटा सिक्योरिटी एंड नेशनल सॉवरेंटी, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन June 29 अनाउंस्ड इट वुड ब्लॉक 59 वाइडली यूज्ड एप्स मोस्ट लिंक्ड टू चाइनीज कंपनीज। यानी कि अपनी जो डेटा सिक्योरिटी और नेशनल सॉवरेंटी, यानी कि राष्ट्रीय संप्रभुता और डेटा सिक्योरिटी के जो कंसर्न है, जो चिंता है इसकी, उसको साइट करते हुए, उसको बताते हुए जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने June 29 को अनाउंस किया कि ये 59 वाइडली यूज्ड एप्स जो हैं, जिनका जो लिंक है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ है, उसे वे ब्लॉक कर देंगे। यानी कि सरकार ने ऐसा एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि वे 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने जा रहे हैं। दीज इंक्लूड द पॉपुलर वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक, ठीक है, और इसमें जो है वो इंक्लूड है एक वाइडली यूज्ड जो है, बहुत ही पॉपुलर इंडिया में है ऐप, अब तो था बेचारा, सोशल नेटवर्किंग ऐप जो है टिकटॉक, और इसके अलावा मोबाइल ब्राउज़र कॉल्ड यूसी ब्राउज़र, भाई बहुत सारी फेक न्यूज़ आती थी इससे, एंड अ फाइल शेयरिंग ऐप कॉल्ड शेयरिट, और एक फाइल शेयरिंग ऐप जो है शेयरिट नाम का। ये तमाम चीज़ें हैं, ये जो ऐप्स हैं ये तीनों बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड ऐप्स थे जिन्हें कि अब बैन कर दिया गया है इंडिया में। व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल थ्री इज देयर वाइड यूजर बेस इन इंडिया विद ईच क्लेमिंग मोर देन 100 million मंथली एक्टिव यूजर्स एंड देयर ओरिजिन्स इन चाइना। देखिए, इन तीनों ही ऐप्स के बारे में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि उनका एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है इंडिया में, यानी कि इन ऐप्स के बहुत ज़्यादा संख्या में यूज़र हैं इंडिया में, और दूसरी चीज़ क्या है कि इनका ओरिजिन होना चाइना में, यानी कि ये चाइना से संबंधित होना जो इनका एक और फीचर है जो कि मिलता है, ठीक है। Explaining the ban, the Ministry of Electronics and Information Technology cited, यानी कि ban को explain करते हुए Electronics and Information Technology Ministry ने cite किया, ये कथन दिया है, ये statement दिया है कि the emergent nature of threats, ठीक है, ये cite किया है कि जो emergent nature of threat थे, अप्रत्याशित रूप से जो खतरा था एक इन apps से, posed by the apps, एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल था, दैट दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ प्रिजुडिशियल टू सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और ऐसा इंफॉर्मेशन अवेलेबल था कि ये जो ऐप्स थे वो एंगेज्ड थे ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि भारत की संप्रभुता के लिए, यानी कि सॉवरेंटी के लिए प्रिजुडिशियल, यानी कि हानिकारक था, और भारत की एकता और अखंडता के लिए भी हानिकारक था। ना सिर्फ इसके लिए बल्कि डिफेंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो सामाजिक ऑर्डर एक होता है उसके लिए भी
थ्रेट था उसके लिए भी खतरनाक था। ठीक है, द एप्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री हैड बीन रिपोर्टेड फॉर स्टीलिंग एंड सरप्टिशियसली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा इन एन अनऑथराइज्ड मैनर टू सर्वर्स व्हिच हैव लोकेशंस आउटसाइड इंडिया which impinges upon the sovereignty and integrity of India। ठीक है, यानी कि ऐसा बताया गया है एप्स जो है वो मिनिस्ट्री के द्वारा, ये बताया गया है एप्स के बारे में कि ये जो है रिपोर्ट किए गए हैं जो यूज़र डेटा को चुरा कर और इनको जो है ट्रांसमिट करते हुए, ठीक है, अनऑथराइज्ड वे में, बिल्कुल ही अनाधिकृत तरीके से ऐसे सर्वर्स तक पहुंचाते हुए जो जिनका लोकेशन जो है भारत से बाहर है, जिसकी वजह से भारत की एकता जो है यानी कि अखंडता और संप्रभुता पर एक खतरा है। ठीक है, From the perspective of data security and privacy, there is indeed a strong case to be made more strictly regulate apps that handle vast amount of the user data. ठीक है, यानी कि अगर data security और privacy के perspective से अगर देखें तो एक strong case बनाए जाने की ज़रूरत है। उस दृष्टिकोण से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग केस बनाए जाने की ज़रूरत है, मोर स्ट्रिक्टली और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से और ज़्यादा कठोरता से इन ऐप्स को, इस तरह के जो ऐप्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए जो कि इतने बड़े अमाउंट में यूज़र डेटा को हैंडल करते हैं। सच अ मूव वॉज श्योरली लॉन्ग ओवर ड्यू, यानी कि ऐसा एक कदम निश्चित रूप से लॉन्ग ओवर ड्यू था, यानी कि लंबे समय से जो है काफ़ी देरी से किया गया, बहुत ही लंबे समय के बाद इसको किया गया है। ठीक है, बट द गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजंस, यानी कि गवर्नमेंट ने लेकिन शायद जो है वो रॉन्ग रीजंस से ही सही लेकिन सही काम को कर दिया है। द timing of the move coupled with the fact that it has chosen to block the apps outright rather than ensure they were complying the law suggests the ban is less motivated by privacy concerns than about sending a message to China amid the tensions along the border। यानी कि जो टाइमिंग है इस मूव की, जिस टाइमिंग पे सरकार ने ये मूव चली है, ये कदम उठाया है और कपल्ड विद द फैक्ट, और इस फैक्ट के साथ मिलकर कि ये जो ऐप्स हैं उनको ब्लॉक करने का तुरंत और क्लियर जो है एक तरीके से आउटराइट जो डिसीजन लिया गया है, उससे ये ना कि हमने पहले इसको ये देखा, ये इंश्योर किया कि ये जो ऐप्स थे वो लॉ के साथ जो है कंप्लाई कर रहे थे या नहीं, यानी कि लॉ को मान रहे थे या नहीं। कंप्लाई का मतलब होता है अबाइड बाय, यानी कि मानना, पूरी तरीके से ऑबे करना चीज़ों को, ठीक है, अनुपालन करना। तो हमने ये इंश्योर नहीं किया कि ये जो ऐप्स थे वो लॉ के हिसाब से चल रहे थे या नहीं, तो बल्कि इनको सीधे सीधे बैन कर दिया। तो ये चीज़ ये सजेस्ट करती है कि जो बैन है वो प्राइवेसी कंसर्न से कम मोटिवेटेड है, बल्कि यहाँ पे सरकार जो है वो चाइना को एक मैसेज सेंड करना चाहती थी जो कि अलोंग द बॉर्डर जो टेंशन चल रहे हैं उस बीच में। ठीक है, आफ्टर ऑल प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू चाइनीज एप्स। आफ्टर ऑल देखिए, ये तो बात सही है भाई कि जो प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो लिमिटेड नहीं है चाइनीज एप्स से, यानी कि सिर्फ चाइनीज एप्स नहीं आपका डेटा चुरा सकते हैं, कोई भी विदेशी ऐप जो इस तरीके का ऐप जो आप यूज़ करते हैं वो आपका डेटा ज़रूर चुरा सकते हैं। Concerns about many of these apps are hardly new, और इन सब apps के बारे में जो चिंता है वो बहुत ही मुश्किल रूप से नहीं है, बहुत ही hardly आप कह सकते हो, मुश्किल से नहीं है, बल्कि ये बहुत ही पुरानी concerns हैं।
यानी कि इस तरीके की चीज़ें उठती रही हैं कि ये जो ऐप्स हैं वो डेटा चोरी करते हैं, लेकिन इस समय चूंकि ये मूव लिया गया है सरकार के द्वारा, तो ये चीज़ लग रही है कि ये जो बैन है वो ज़्यादा मोटिवेटेड है इस चीज़ से कि वे एक मैसेज भेजना चाहते हैं चाइना को कि वो एक तरीके से बायकॉट कर सकते हैं उनको और उनको मुश्किल में डाल सकते हैं, उनके बिजनेस को मुश्किल में डाल सकते हैं। और देखिए आगे देखते हैं, एंड द मूव टू ब्लॉक देम कम्स आफ्टर दीज एप्स हैड ऑलरेडी अमास्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर्स इन इंडिया। और ये मूव तब आया है जब इन एप्स ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यूजर्स जो है वो इकट्ठा कर लिए थे इंडिया में तब। If sending a message about China is the motivation, the ban is more signaling than substance. यानी कि यदि चाइना को एक मैसेज भेजना इस तरीके से अगर जो है मोटिवेशन है, तो ये जो बैन है वो एक सिग्नलिंग है, ना कि एक सब्सटेंस। कहने का मतलब है कि एक सिर्फ एक संकेतन है, एक इशारा है, ना कि इसकी बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू इसकी नहीं है। बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि ये है कि अगर प्राइवेसी कंसर्न से देखें तो अच्छा कदम है, बढ़िया है। इट मे हेल्प द गवर्नमेंट शो द पब्लिक इट इज़ टेकिंग चाइना ऑन। हाँ, ये चीज़ गवर्नमेंट को हेल्प कर सकती है कि ये पब्लिक को ये दिखाएं कि ये चाइना के को कन्फ्रंट कर रहे हैं, चाइना का सामना कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो है एक्शन ले रहे हैं। इवन इफ इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन डेटरिंग चाइनीज बिहेवियर ऑन द बॉर्डर विच विल रिक्वायर अ टफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिस्पॉन्स। ठीक है, हालांकि इससे जो चाइनीज़ बिहेवियर है बॉर्डर पे वो ज़्यादा नहीं बदलेगा और उसको चेंज करने के लिए एक टफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। द टेंशंस ऑन द बॉर्डर एज वेल एज COVID-19 पैंडमिक हैव इग्नाइटेड अ मच नीडेड डिबेट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज ऑन चाइना। यानी कि जो टेंशन चल रहे हैं बॉर्डर पे और उसके साथ ही साथ COVID-19 का जो पैंडमिक है उसने इस चीज़ को इग्नाइट कर दिया है, इस चीज़ को और ज़्यादा भड़का दिया है, एक डिबेट को, ठीक है, एक डिबेट को प्रज्वलित कर दिया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी की डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कितनी है। ठीक है, इंडिया रिमेंस रिलायंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स इन सेवरल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स। इंडिया जो है वो रिलाई करता है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटजिकली यानी कि रणनीतिक रूप से सेंसिटिव सेक्टर्स में। ठीक है, फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स टू द टेलीकॉम सेक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को इम्पोर्ट इंडिया चाइना से करता है, बल्कि इसके अलावा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि दवा वगैरह बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी इंपोर्ट किया जाता है चाइना से एक बहुत ही बड़े पैमाने पे। और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में भी इंडिया काफ़ी हद तक रिलाई करता है चाइना के ऊपर, वेयर चाइनीज वेंडर्स आर इन्वॉल्व नॉट ओनली इन इंडियाज 4G नेटवर्क बट ऑन गोइंग 5G ट्रायल्स। यानी कि जहाँ पे चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ वेंडर्स जो हैं, वो ना सिर्फ इंडिया के 4G नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं बल्कि ऑनगोइंग जो 5G ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया में उसमें भी वे चाइनीज़ वेंडर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इंडिया फेसेस टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड इन डीलिंग विद इट्स डीप इकोनॉमिक एम्ब्रेस ऑफ चाइना। यानी कि इंडिया को एक टफ चॉइस जो है उससे डील करना पड़ेगा, एक मुश्किल चुनाव करना पड़ेगा जब ये अपने डीप इकोनॉमिक एम्ब्रेस जो है इसका चाइना के साथ, यानी कि चाइना के इसके साथ जो इसका आर्थिक एक तरीके से एक्सेप्टेंस है इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो इस चीज़ से डील करने के लिए इंडिया को जो है वो एक टफ चॉइस लेना पड़ेगा, एक मुश्किल चुनाव करना पड़ेगा। हिटिंग द डिलीट बटन ऑन सोशल मीडिया एंड गेमिंग एप्स बेयरली स्क्रैचेस द सर्फेस ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि अगर हम डिलीट बटन हिट कर देते हैं सोशल मीडिया ऐप पे, यानी कि सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर देते हैं या फिर गेमिंग ऐप्स को बैन कर देते हैं, तो ये से जो प्रॉब्लम है उसकी सरफेस को ही हम सिर्फ स्क्रैच कर पाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल हमारा।
एडिटोरियल जो कि बेस्ड था इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन चल रहे थे, उसके बाद भारत की सरकार ने जो वहाँ के 59 वाइडली यूज्ड ऐप्स थे इंडिया के अंदर उनको बैन करने का जो कदम उठाया है उस पे बेस्ड हमारा आर्टिकल था आज का। तो ये व्यूज़ जो थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से राइटर से जुड़े हुए व्यूज़ हैं। हालांकि व्यूज़ आपको पसंद भी आ सकते हैं या फिर हो सकता है कि पसंद ना आए, लेकिन आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आपको देखना है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और वोकैबुलरी आपने सीखी यहाँ पे, ठीक है, तो ढेर सारी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। इसके अलावा हमने जो भी एनालिसिस पहले की है उसको भी आप ज़रूर देखें चैनल पर। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें, अपना रिव्यू ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।